गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम आ गए हैं राजकोट के आजी डैम। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं आजी डैम, ये है एक्चुअल डैम का व्यू। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे आज, बट मैं जस्ट आई हूँ तो अभी ऑलमोस्ट इवनिंग होने ही वाली है। मैं थोड़ा लेट हूँ आज, और नेचुरल व्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्ड्स के लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे हर छोटे छोटे पेड़ में आप देख सकते हैं कि बर्ड्स के लिए ऐसे खाने का बंदोबस्त किया गया है, एंड वो जो छोटी छोटी हंडी है उनके रहने के लिए टांगे गए हैं। इवन आप अगर इस तरफ देखिए, यहाँ पे आपको कबूतर दिखेंगे बहुत सारे। सारे राजकोट में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे मैंने ऐसे गार्डेड एरिया देखा है, जहाँ पे कबूतरों को खाना खिलाया जाता है। तो चलिए आप लोगों को मैं थोड़ा ये डैम का जो टोटल ओवरव्यू है थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सीगल्स हैं। पहले मैंने आजी डैम को बहुत सारे पिक्चर्स देखे थे गूगल में, जहाँ पे बहुत सारे सीगल्स दिखती है, मगर यहाँ पे अभी आके मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। शायद तब ये जो केज बनी हुई है, शायद लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। पहले ये केज नहीं था, तब सीगल्स काफ़ी ज़्यादा दिखते थे आई होप, क्योंकि मैंने पिक्चर में देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे सीगल्स हैं। और आई डोंट नो आप लोगों को दिखेगा या नहीं, आई एम ट्राइंग टू जूम माई कैमरा। ये दूर आपको एक पेलिकन भी दिखेंगे, अकेली है ऐसे तैर रही है। यहाँ पे आपको एक बर्ड दिखेगा शायद, हाँ ये देखिए, ये भी कोई वाटर बर्ड है। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉमन इन इंडिया, लाइक कोई भी स्टेट में आप इसको देख सकती है। पानी के नीचे चला गया, अभी कहीं और जगह पे बाहर निकलेगी, हाँ उस तरफ निकली है। यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग एक एक्वेरियम देख सकते हैं, वो यहाँ का एक छोटा सा एक्वेरियम है बेसिकली, और मुझे वो विजिट नहीं करना। हाँ तो आप लोग अगर आते हो यहाँ पे, स्पेशली अगर छोटे बच्चों के साथ, आप आ सकते हैं एंड विजिट कर सकते हैं ये एक्वेरियम। आई डोंट नो अंदर क्या है। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं आजी डैम के आगे वाले एक छोटा सा पार्क है, थोड़ा सही है पार्क, तो वहाँ पे आप पे आके थोड़ा बैठे हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक के बाद एक पार्क है, चारों ओर आपको ऑलमोस्ट 5-6 पार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों का पूरा पार्क का व्यू है, जैसे कि इस पार्क के ऊपर भी वो वाला पार्क है, एंड यहाँ पे ये है एक पार्क, और सामने और एक चिल्ड्रंस पार्क है बच्चों के लिए। और इस पार्क में हम लोग बैठे हैं, और ये जो छोटा सा ये मिट्टी का ऊंचा पोर्शन दिख रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ा वाला पार्क है। अगर अच्छे से देखें तो शानदार है ये एरिया, कभी भी आके बैठने के लिए, छोटा मोटा पिकनिक के लिए सही है। शाम हो चुकी है और मैं अभी भी राजकोट में ही हूँ, और अभी मैं हूँ राजकोट का इवनिंग टाइम का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो है रेस कोर्स एरिया। यहाँ पे हर कोई आते हैं बातें करने के लिए,
लीजिए, लाइक फ्रेंड्स से मिलने के लिए, लाइक टाइम स्पेंडिंग का एक सबसे अच्छा एरिया यही है। यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं, बहुत मेंटेन्ड एरिया है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा घूम के दिखाऊंगी। और सामने एक बहुत बढ़िया पार्क भी है, एंड वो छोटा मोटा एक अम्यूजमेंट पार्क भी मुझे दिख रहा है जो ओनली फॉर किड्स है। तो सबसे पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो आज मैंने खरीदी है, एंड नाउ आई विल एन्जॉय दैट इज दिस इज़ चोड़ाफड़ी। यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, क्रिस्पी चिप्स जैसा आपका होता है, थोड़ा पापड़ जैसा, और साथ में ये चटनी है। किस चीज़ की है? लहसुन की है। ओके, ये ग्रीन चटनी है। क्या इसमें देखिए मीठी। ओके, तो ये चोड़ाफड़ी है, तो ये यहाँ पे आपको रोड साइड ठेले में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। मैंने ये लिया है 280 का किलो, और 100 ग्राम मैंने लिया है बेसिकली, तो इससे हम कुछ खा भी चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। 100 ग्राम आई थिंक दो लोगों के लिए इनाफ है, तो खा के देखते हैं ये कैसा है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ का पूरा एक व्यू प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो में। आज मैं राजकोट से फिर से जूनागढ़ वापस जा रही हूँ, क्योंकि राजकोट में मेरा स्टे ख़त्म हुआ। तो अभी ये ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं, और बीच में हम एक जगह पे आए हैं, लाइक यहाँ पे एक दो चीज़ें देखने को है, ठीक है। जैसे कि अभी हम आए हैं यहाँ पे, एक बुद्धिस्ट कैंप है आपके जैतपुर के बगल में, इसका नाम है खम्बा लीडा बुद्धिस्ट केव्स ऐसा कुछ, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना एक्चुअली बुद्धिस्ट केव है यहाँ पे कुछ। तो मैं पहले केव्स पे आ गई हूँ, बगल में बुद्धिस्ट टेंपल है, और थोड़ी दूर में एक आपका अच्छा वाला एक मंदिर है, खोडल धाम। तो हम आज ये तीन चीज़ें देखेंगे, देख के फिर हम लोग जूनागढ़ वापस जा रहे हैं, और कल थोड़ा बहुत जूनागढ़ में भी सैर करेंगे हम लोग। और यस्टरडे कुछ इशू हो गया था राजकोट के रेस कोर्ट में, तो रेस कोर्स का मैं एग्जैक्टली कोई वीडियो वैसे नहीं ले पाई हूँ, तो वैसे मैं ज़रूर आप लोग रेस कोर्स विजिट कीजिए, बहुत बढ़िया जगह है बैठने के लिए, बातें करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए राजकोट में। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे ये केव्स। एक्चुअली ये केव जो है आप देख सकते, पूरा नेचर के बीचों बीच है, ग्रीन पेड़ पौधे, हिलॉक्स हैं आसपास, छोटे छोटे कुछ गांव हैं। यहाँ पे हमें टूटा फूटा बोर्ड भी मिला, इसमें लिखा हुआ था कि 4th सदी में बनाया, हाँ, डिपिक्शंस ऑफ अवलोकितेश्वरा। अच्छा, तो सेंचुरी, ये तो कुछ आधा से ज्यादा चीजें दिख भी नहीं रही है इसमें, तो चलिए। एक्चुअली ये जगह बहुत कम लोग विजिट करते हैं, तो छोटा मोटा है, देख लीजिए एक बार। पिलर्स बनाए गए हैं यहाँ पे, पिलर्स, और साथ में ऊपर का पोर्शन में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे कुछ लोहे का वो बनाया गया है एक स्ट्रक्चर, तो लाइक गवर्नमेंट भी इसको शायद प्रोटेक्ट करने की, डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखे तो बहुत सारे अननोन काइंड ऑफ पेड़ मुझे दिख रहे हैं। ये लाल येलो फ्लावर तो बहुत कॉमन है, बट ये वाला पेड़ यहाँ से आपको दिखाते हैं, छोटे छोटे वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स हैं इसके, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। आई डोंट नो कि कौन सा पेड़ है ये, बट बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्रूट्स, ऐसे भर के हैं इसमें। देखिए आप लोग, छोटे छोटे फ्रूट्स हैं इसमें बहुत सारे। यहाँ पे मुझे एक फेदर मिला, खूबसूरत है, देखिए बहुत बड़ा है।
पंछी कौन सा है समझ तो नहीं आ रहा, बट फेदर बहुत खूबसूरत है, ह्यूज है, तो इसको मैंने रख लिया। तो देखते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये जगह, बड़े बड़े चट्टान, छोटी सी एक नदिया और घने जंगल। यहाँ से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। बाप रे बाप, फिसल गई थी मैं थोड़ा। तो खूबसूरत है ना, ऊपर कुछ पंछी थी अभी ऐसे उड़ के गई, आवाज आई मुझे। ऐसी बड़े बड़े चट्टाने हैं यहाँ पे, ये कुछ स्ट्रक्चर सा दिख रहा था, शायद इस गुफा का ही कोई पोर्शन वोर्शन होगा। तो दोस्तों ये था टोटल बुद्धिस्ट केव का ओवरव्यू, छोटा सा है और अंदर साइड में काफी अंधेरा है, एंड एक वो होता है ना पुराने किसी भी जगह का एक बदबू जो होती है ना, एक स्टिंक टाइप का है, बट कहीं जाके वो बहुत अट्रैक्टिव भी है। अगर आप सोचे तो देखिए कितने 100 सालों से ये केव यहाँ पे है, और एक वो होता है ना एक ओल्ड स्मेल जिसको बोलते हैं, बेसिकली बहुत बुरा स्मेल है, बट काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग है ये, लाइक ये स्मेल मैंने आज तक कभी नहीं लाइक आई नेवर फेल्ट सच काइंड ऑफ स्मेल बिफोर, बट काफ़ी अट्रैक्टिव है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसको, ये शायद टूट रहा था तो थोड़ा बहुत इसमें कंस्ट्रक्शन भी, ये देखिए कितने सारे मोर यहाँ पे जंगल में, आसपास भी आपको दिखेंगे, एक वहाँ पे है, अभी इस साइड भी देखिए ऐसे फेंस पे बैठे हैं तीन, नीचे एक है, नहीं दो, अभी उस साइड पे एक, ऐसे बहुत सारे हैं, और यहाँ पे उनका पंख गिरे हुए हैं, और इसी से मुझे समझ आ रही है वहाँ पे चारों ओर मुझे इनके पंख दिख रहे हैं, इसी से मुझे समझ आ रही है जो मुझे जो मिला है पंख वो मोर का ही पंख है जो मुझे उस साइड मिला था। और यहाँ पे अरे अरे और भी खूबसूरत है, यहाँ पे इस साइड में आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, एक मोरनी के साथ उसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे भी थे, अभी मुझे दिखा यहाँ पे, अभी और नहीं दिख रहा, शायद वो जंगल के साइड चले गए हैं या फिर वीडियो में नहीं आ रहा, 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ उस साइड में, अरे ये पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा, एक मोर ने अपने पंख भी वो किए हैं, उसका जो टेल का जो पंख है कितना खूबसूरत लग रहा है, दो तीन मोर ने अपना वो पंख फैला के रखा है, इतने सारे मोर आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे, मैंने तो आज तक कहीं पे नहीं देखा, गुजरात में मुझे बहुत टाइम दिखे हैं, बट गुजरात में भी मुझे बहुत टाइम दिखे हैं, मगर एक दो से ज़्यादा एट ए टाइम ज़्यादा नहीं दिखे हैं, बट यहाँ पे इस जंगल के बीच बहुत सारे दिखे। तो अभी चलते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ। हम आ गए हैं बुद्धिस्ट टेम्पल पे, thank you.
दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ये बुद्धिस्ट टेंपल जो जेतपुर के बगल में है, और जगह एक्चुअली टोटली सुनसान है एंड बहुत ही खूबसूरत है। मगर एक ही इशू है कि ये जो टेंपल है बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड, लाइक क्या बोलूँ, एकदम ही मेंटेन्ड नहीं है, बहुत ही गंदा है और साथ में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है। बहुत ही खूबसूरत है अगर मेंटेन किया जाए तो, बहुत अच्छे से इसको किसी भी टूरिस्ट प्लेस का नाम दिया जा सकता है। और यहाँ का जो ये पैटर्न है स्कल्पचर टाइप कुछ है तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अभी मेरा टाइम ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, इस टेंपल का, बुद्धिस्ट टेंपल का वीडियो मेरा ख़त्म हो रहा है। तो हम जा रहे हैं आपका खोडल धाम मंदिर जो और थोड़ा आगे है, तो देखते हैं। और यहाँ पे एक खूबसूरत तालाब है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कभी कभार वो पिक्चर्स में देखा जाता है वैसा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वाटर बर्ड्स यहाँ पे हैं, और कुछ वाटर डक्स भी हैं यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे एकदम, शायद आपको क्लियर नहीं दिखेंगे, अच्छे से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वाटर बर्ड्स हैं। दूर कुछ क्रेन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे कुछ देर पहले मैं वो भी देख रही, थोड़ा उस साइड है शायद आपका, इस झाड़ियों के पीछे कुछ पीकॉक्स एंड पी हैंस भी आए हुए थे पानी पीने के लिए। तो ये समझा जा सकता है कि ये जो पानी, ये जो तालाब है, ये एक्चुअली ये इस एरिया का जो पशु पक्षी है उनका पानी पीने का एंड नहाने का एक बहुत अच्छा लाइक जगह है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं खोडल धाम मंदिर, और अभी बहुत जल्दी ये मंदिर बंद भी होने वाली है। एक्चुअली ये यहाँ का बहुत पॉपुलर मंदिर है और ये खोडल माँ का मंदिर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मंदिर कैसा है, मुझे नहीं मालूम अंदर अलाउ करेंगे या नहीं, अगर बाहर से थोड़ा बहुत दिख रहा है, जितना पॉसिबल हो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं।